अदर देन एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट, मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी रैंडम पॉइंट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल सो एट एनी रैंडम पॉइंट. तो ना तो ये इक्वेटोरियल है ना ही एक्सियल है, तो किसी भी रैंडम पॉइंट पर निकालना है. सो एट एनी रैंडम पॉइंट, तो उस कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा, उस कॉन्सेप्ट में हम लोग एक प्लस क्यू साइन यहाँ पे ले आते हैं, एक माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे प्लेस कर दिया. मैंने सेंटर ऑफ डायपोल से कोई रैंडम पॉइंट पी इमेजिन कर लिया जो कि ऑब्वियसली आर डिस्टेंस की दूरी पे है. ये पॉइंट पी डायपोल के साथ एंगल थीटा बना रहा है. अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव रहती है, राइट. सो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आ गया. अब इस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली समझने का एक तरीका यही है. अब वो ये है कि हम लोग डायपोल को ब्रेक करेंगे. अब हम जानते हैं कि एक्सियल के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो है 1/4πε0 2πr³. वी वेरी वेल नो अबाउट दिस. मोर ओवर इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी हम लोगों ने भी लास्ट केस में वही डिस्कस किया है, तो हमारे पास फॉर्मूला आया है 1/4πε0 p/r³. तो ये दो कंडीशन इक्वेटोरियल एक्सियल के पर्टिकुलर इंडिविजुअल फॉर्मूलाज हैं. मैं यहाँ पर किसी रैंडम पॉइंट के लिए क्या करूँगा, मैं एक वेक्टर क्वांटिटी जो कि डायपोल है, इस वेक्टर क्वांटिटी को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करने वाला हूँ. एक कंपोनेंट आ जाएगा ये और एक कंपोनेंट आ जाएगा ये. तो P को मैं ब्रेक करूंगा दो कंपोनेंट्स के साथ. अब आप देखिए एक्चुअल डायपोल मोमेंट ये थी, ये वाला मैंने इस वेक्टर को यहां पर रखा है. तो इस कंडीशन में देखा जाए तो रैंडम पॉइंट P यहां पर था, राइट. तो ये पॉइंट P R डिस्टेंस की दूरी पे था जो कि ये रहा, और ये एंगल थीटा बना रहा था. अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा रहेगा, सही बात है. तो इस वेक्टर को अगर हम लोग दो कंपोनेंट से ब्रेक करें तो एक बन जाएगा P cos थीटा और P sin थीटा. तो हम एक काम करेंगे, हम दो इंडिविजुअल डायपोल्स का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं. व्हाट डू आई मीन बाय दिस, आई मीन दिस, मान लीजिए P cos थीटा एक डायपोल है और P sin थीटा एक डायपोल है. अब इस इंडिविजुअल डायपोल से आप पॉइंट P को देखेंगे तो पॉइंट P जो है वो एक्चुअल में P cos थीटा वाले के लिए एक्सियल पॉइंट है और P sin थीटा वाले डायपोल के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है. दैट क्लियरली इंप्लाइज कि अगर मैं एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से लगाऊं तो मेरे पास आंसर आएगा 1/4πε0 2π cos θ/r³. और दैट इंप्लाइज बेसिकली मेरे पास एक्सियल के केस में ये कंडीशन आ गई, और वहीं इक्वेटोरियल के केस में मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/4πε0 p sin θ/r³. अब आप चाहें तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ई नेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं ई नेट आएगा रूट ऑफ एक्सियल का स्क्वायर प्लस इक्वेटोरियल का स्क्वायर. आप समझ सकते हैं ये और ये दोनों 90 डिग्री हैं एक दूसरे के, तो उस कंडीशन में नेट निकालने के लिए हमारे को ये कुछ तरीका आजमाना पड़ेगा. तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, ई नेट इज इक्वल टू ई ए का वैल्यू डालेंगे 1/4πε0 2π cos θ/r³ का स्क्वायर प्लस 1/4πε0 p sin θ/r³ का स्क्वायर. अब देखिए यहां पर कॉमन क्या निकल रहा है, देखो कॉमन निकलेगा 1/4πε0 p/r³ का स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो रूट से बाहर निकाल लूं तो क्या बन जाएगा, 1/4πε0 p/r³. ये कॉमन निकाल दिया मैंने बाहर, अंदर रूट में क्या रह गया, रूट में रह गया 2 cos θ का स्क्वायर, मतलब 4 cos²θ + sin²θ. अब मेरे पास क्या है, मेरे पास 4 cos²θ है, तो 4 cos²θ में से 1 cos²θ अगर मैं निकाल के sin²θ के साथ ऐड कर दूं, कहने का मतलब मैं चाहूं तो उसको ऐसे भी लिख सकता हूं p/r³√3 cos²θ + cos²θ + sin²θ, करेक्ट है. तो मैंने 4 में से 1 अलग कर दिया बस, तो cos²θ + sin²θ क्या होता है, 1, हेंस
कभी भी कोई रैंडम पॉइंट पे एक स्टैंडर्ड आंसर निकालना है तो उसका आंसर है रूट थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन। तो ये एक जनरल आंसर है। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी भी डायपोल के कॉन्सेप्ट में किसी भी पॉइंट पे तुम ये लगा सकते हैं। अब देखो, अगर इसी चीज़ को आप फॉर्मूला को आप इक्वेटोरियल के लिए यूज़ करोगे तो उस कंडीशन में इक्वेटोरियल के लिए ये एंगल ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा, ये थीटा 90 होने वाला है। थीटा 90 हो जाएगा तो कॉस 90 जीरो होता है, कॉस 90 जीरो हो गया तो मतलब सिर्फ वन रह गया, रूट वन का आंसर वन है। आंसर क्या आ गया, 1/4πε0p/r³। देखिए इक्वेटोरियल के केस में यही फॉर्मूला है, 1/4πε0p/r³। वही एक काम करिए, इसको एक्सियल पॉइंट बनाना, यहाँ ले जाइए। अगर आप वहाँ ले जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारे को पता है कि इक्वेटोरियल के केस में, सॉरी एक्सियल के केस में क्या कंडीशन आती है, 1/4πε0 2π/r³। देखो थीटा कितना हो जाएगा, जीरो, कॉस जीरो वन, थ्री प्लस वन फोर, फोर का रूट टू, 2π/r³ बच गया। देखिए तो हेंस हम लोग किसी भी रैंडम पॉइंट में निकालना चाहें तो हम लोग ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में एक इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस करने वाले हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ ऐसे हम लोग एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा, बहुत बड़ा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होगा, तो यहाँ से उस तरफ मूव कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हैंस कैसे ट्रैवल करेंगी, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस करने वाला हूँ इस एक्सटर्नल फील्ड के अंदर। तो अगर मैं एक एक्सटर्नल डायपोल कुछ इस तरीके से प्लेस कर दूँ, मान लीजिए ये बन गया, तो मान के चलते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, सेपरेशन डिस्टेंस कितना है ए, राइट। अब मैं मान के चलता हूं ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, करेक्ट है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट होगा, क्यों, क्योंकि इस तरफ बहुत बड़ा नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे मूव कर रही है, हेंस इसका मतलब क्या हुआ, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन में, तो वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, F is equal to Q into E. As simple as that. अब फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, इस कंडीशन में ऑटोमेटिकली अपना मूवमेंट दिखाना शुरू करेगा। इन शॉर्ट ये फोर्स एक मोमेंट क्रिएट करेगी, एक टॉर्क क्रिएट करेगा, हेंस वो क्या लगेगा, तो टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो हमारे को पता है डिस्टेंस कितना है दोनों चार्जेस के बीच में, ए, मतलब मुझे हाइपोटेनस पता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको दो कॉम्पोनेंट ब्रेक कर देता हूँ, ये एंगल थीटा है, सो अगर ये ए है तो ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा, ये डिस्टेंस ए साइन थीटा हो गया, सो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल टॉर्क, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्यू ई इंटू ए साइन थीटा। अब यहां देखिए क्यू इंटू ए इंटू ई साइन थीटा, क्यू इंटू ए क्या होता है, That's right, electric dipole moment. मैं यहाँ लिख देता हूँ, टॉर्क क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो इसको वेक्टरली एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, वो क्या रहेगा, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, दैट्स इट, ठीक है। तो ये है, अगर हम लोग एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, ये कहीं ना कहीं घूम के अपने ओरिजिनल पोजिशन में आ जाएगा, जहाँ पर वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकता है, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाए और नेगेटिव यहाँ पर आ जाए तो इधर ही फोर्स लग रही है और इधर भी इस तरफ फोर्स लग रही है, तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, दोनों बराबर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो उस कंडीशन में ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर आकर इक्विलिब्रियम में अटेन कर लेगा। हाँ, कई बार ये कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है कि मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होती, तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर इस जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपैरेटिवली कम है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोल पाएंगे, हम लोग यही बोल पाएंगे ना, भाई इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लग रही है, क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, तो अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया तो ये पॉइंट ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट करेगा इन कंपैरिजन टू दिस, हेंस उस कंडीशन में वो इक्विलिब्रियम नहीं, वो एक्चुअल में मूवमेंट नेट फोर्स की वजह से मूवमेंट दिखाना शुरू कर देगा। वेल एनी हाउ, मेजर कॉन्सेप्ट आपके लिए ये है, जिसके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं,
तो इसको हम लोग इतना समझ लेते हैं. नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन गॉस लॉ.